पांडे जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने भारतीय और विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2011 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने अपनी बातों को रखा, मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था माननीय उपाध्यक्ष जी, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर साहब ने भी और उधर माननीय डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात रखी। मैं एक दो बिंदुओं पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का, कि अभी हमारे माननीय सदस्य जी अपनी बात को भ्रष्टाचार पर आते आते समाप्त किया है। अब मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा कि इस परिषद के जो भी गठित 6 सदस्य थे उनकी पूरी डिटेल बताया कि इनमें क्या योग्यताएं रहीं, और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है और ऐसे जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किया जाता है जो देश के स्वास्थ्य से संबंधित है। इससे बड़ा कोई और विभाग हो नहीं सकता, वो जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और ऐसी फैकल्टी जहाँ हम डॉक्टर का निर्माण करते हैं, जहाँ हम डॉक्टर बनाते हैं, जिनसे देश की स्वास्थ्य सेवाएँ हम लेते हैं, और वहाँ अगर हम ऐसे भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों के संरक्षता में, लोगों के संरक्षण में अगर वो फैकल्टी चलाएंगे, तो महोदय जिस तरह से बीज हम डालेंगे उसी तरह से पौध उगेगा। वही डॉक्टर पैदा होते हैं, वही डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए लोगों के माध्यम से उन्हें डिग्रियां मिलती हैं, जब वो गाँव में जाते हैं, जब वो शहरों में सेवाएँ देने के लिए जाते हैं, तो एक तरफ जब ऑपरेशन के बाद मरीज घर आता है, महीने दो महीने बाद फिर उसे दर्द होता है, मैं ये बात को जानकारी में आई इसलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और वही मरीज फिर वहाँ डॉक्टरी में जाता है, उसका एक्सरे किया जाता है तो पता चलता है कि ऑपरेशन के साथ उसके पेट में रुई छूट गई, ऑपरेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट छूट गए, वो उस संस्थान से निकले हुए डॉक्टरों की योग्यता का एक लक्षण है, एक योग्यता का एक प्रमाण है। महोदय, जहाँ ये बात आ रही है कि यह स्वास्थ्य परिषद के सदस्य ठीक होने चाहिए, वहाँ इसका दूसरा बिंदु है कि देश में आबादी की दृष्टि से ऐसी फैकल्टीज, ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे संस्थान भी खुलने चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय कि माननीय मंत्री जी ऐसे राज्यों को जिनकी आबादी तो कम है वहाँ नौ नौ फैकल्टियाँ, नौ नौ संस्थाएँ खोलने की इजाज़त दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी आज़ादी का सूबा है, वहाँ ज़रूरत है लोगों के स्वास्थ्य फैकल्टी की, ज़रूरत है डॉक्टरों की, ज़रूरत है ऐसे स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोगों की, वहाँ आपका ध्यान नहीं जाता। मैं इस बात को जोरदार सबसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि देश प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसी तरह से चाहे MP हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य प्रदेश हो, वहाँ भी आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से डॉक्टर निकलते हैं। आपने अपने एक बयान में कहा कि डॉक्टरी पढ़ाने वाली फैकल्टी कमी होने से डॉक्टरों की गंभीर समस्या है, आपने इसे स्वीकार किया है। आपने ये भी कहा कि अभी देश में 5.5 लाख डॉक्टर हैं और उतने ही डॉक्टरों की कमी है, आपने ये भी स्वीकार किया कि शहरों में 2000 की आबादी पर एक डॉक्टर है और गांव में 9.5-10 हजार की आबादी पर एक डॉक्टर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, क्या गाँव में लोग बीमार नहीं होते? क्या गांव में बीमारियां नहीं आती? क्या गांव में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहिए? क्या गांव के लोग भारतीय नहीं हैं? क्या गांव के लोग इन सुविधाओं से वंचित रहना चाहते हैं? आपका ध्यान क्यों नहीं उधर जाता? आप शहरों में रहने वाले लोगों की ही स्वास्थ्य की चिंता करेंगे? या भारत तो गांव में बसता है, गाँव का गरीब, गाँव का बेहाल, गाँव का मजदूर, गाँव का मजबूर, उसे तो और सुंदर स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। महोदय, मैं अपनी बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आज देश में एक अभिशाप है झोला छाप डॉक्टरों की, उनकी सेवाएं लेने की मजबूरी है गांव के लोगों की जो उनकी सेवाएं ले रहे हैं। जब आप वो व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो निश्चित रूप से सेवाएं लेने के लिए मजबूर होंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल भाग भदोही, जहाँ से हम चाहते हैं, उसके अगल बगल के और जिले हैं, उसके सटे हुए और प्रदेश हैं, मैं वहाँ की गरीबी को देखा हूँ, वहाँ की बीमारी को देखा हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मलेरिया, TB और ये अनेक जो आधुनिक बीमारियाँ हैं जिनके बारे में कि ग्रामीण अंचलों में डॉक्टरों में वो सुविधाएं ही नहीं है, उनके पास वो यंत्र नहीं है, उनके पास वो संयंत्र नहीं है, उनके पास परीक्षण करने की व्यवस्था नहीं है,
आपका ध्यान वहाँ भी जाना चाहिए जहाँ इस परिषद को गठित करने की एक्सटेंशन देने की दो वर्ष की आप बात कर रहे हैं, वहीं अच्छी फैकल्टी हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो और गांव को इन डॉक्टरों से परिपूर्ण करिए, गांव के लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तभी इस एक्सटेंशन का कोई मतलब होगा। और साथ साथ मैं चाहूंगा कि इसकी एक स्थायी व्यवस्था की जाए, इसको कब तक आप बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ। श्री